हुजूर शेरशाह बदारिया हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरगूब आलम साहब जाफूल मदारी की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल आला में आला से आला। मैं ये एहसान मंदी समझता हूँ तमाम हर से ख्वाजगान की जानिब से। ये मदार का दर है, यहाँ मदार के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन वो शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत थी जिस शख्सियत ने सिलसिले आलिया मदारिया के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान और मैं जरूरी समझता हूँ इस स्टेज से कि मनकबत कुतुबुल मदार से पहले मैं उस मदारी की बारगाह में खराजे अकीदत पेश करता हूं जिस मदारी का एहसान इस सिलसिले आलिया मदारिया पर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि इस बात के शाहिद तमाम औलाद हर से ख्वाजगान, तमाम औलाद हर से ख्वाजगान की जानिब से मैं दो तीन शेर फातह अजमेर की बारगाह में बारगाह कुतुबुल मदार के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मुरादा फरमाए कि है जमाने पे मैं चर्चा फातह अजमेर का, है जमाने भर में चर्चा फातह अजमेर का, हर तरफ बजता है चंका तरफ बजता है डंका फतेह अजमेर। बहुत सच्ची बात कह रहा हूँ मैं बारगाह कुतुबुल मदार में, बड़ी सच्ची बात कह रहा हूँ। मुरादा फरमाए तो ये जो बातिल से मदारी धास खाते ही, ये जो बातिल से मदारी धास खाते ही नहीं, वाकई में ये है सदका फतेह अजमेर का, वाकई में ये है सदका फतेह अजमेर का, वाकई में है ये सदका फतेह अजमेर का। और वो बस जिस पर 72 मदारी सवार होकर के अजमेर की धरती पर गए थे, उस बस में हमारे बुजुर्ग भी शामिल थे। आज वो इस बात को शाहिद हैं कि शेर-ए-शाह मदारियत ने वहाँ क्या जलवे दिखाए थे। मुरादा फरमाए कि सन 82 में वो बैतुल नूर के नूर के वान में देखा दुनिया ने था जलवा मेर का, देखा दुनिया ने था जलवा फतेह अजमेर का, देखा दुनिया ने था जलवा फतेह अजमेर का। ये हर से ख्वाजगान की जानिब से एहसान मंदी का सबूत था जो मैंने पेश किया। सन 82 में वो बैतुल नूर के वान में देखा दुनिया ने था जलवा फतेह अजमेर। ये बहुत बड़ी बात है कि बारगाह कुतुबुल मदार में किसी की मनकबत पढ़ी जा रही है। इस बारगाह में मदार की मनकबत के अलावा कोई मनकबत जश्न ही नहीं, लेकिन मेरा ये अकीदा है कि इस मनकबत को सरकार खुद सुन रहे हैं।
क्योंकि एक ऐसे शहदाई की मनकबत है, एक ऐसे मदाई की मनकबत है जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस को मदार पाक की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। मैं उनकी बारगाह में ये खिराज अकीदत पेश करके तमाम हर्ष ख्वाजगान की तरफ से तोहफे तशक्कुर पेश किया। मैंने अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए और बिल्कुल ताज़ा मनकबत के